आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर और दिल्ली बॉर्डर से किसान घर लौटने लगे हैं। जल्द ही बॉर्डर से आवाजाही करने वालों के लिए सड़क के सारे लेन खुल जाएंगे। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या माहौल है, क्या हालत है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिनव गोयल। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए कि किस तरह से राकेश टिकैत जी का मोर्चा यहां से रवाना हो चुका है। राकेश टिकैत अपनी गाड़ी में, काले रंग की कार में, आप देख सकते हैं उनकी कार यहां से शुरू हो गई है। उनके पीछे तमाम किसानों की कारें हैं जो निकल चुकी हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है, फूलमाला उनको, उनके ऊपर उनको फूल बरसाए जा रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी ने ऊपर जो ब्रिज पर लोग खड़े हैं उनके लिए हाथ हिलाया है। आप उनकी कार देखिए, वो अपने शीशा खोलकर खड़े हुए हैं और इस कार से वो यहां से जा रहे हैं। आज 15 दिसंबर यानी गाजीपुर मोर्चे का आखिरी दिन, ये वो क्षण है, ये वो पल है जब राकेश टिकैत गाजीपुर मोर्चे से अपने घर सिसोली के लिए रवाना हो रहे हैं। पिछले 13 महीने से राकेश टिकैत अपने घर नहीं लौटे हैं, लेकिन आज राकेश टिकैत गाजीपुर मोर्चा छोड़कर यानी गाजीपुर मोर्चे को खत्म कर अपनी घर वापसी कर रहे हैं। और यही वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार इस पूरे देश को करीब एक साल से था कि कब किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे। हालांकि दूसरे सिंगू बॉर्डर्स और जो टीकरी बॉर्डर है उनको खाली कर दिया गया है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर बचा हुआ था और 15 तारीख का इंतजार था। इसी तस्वीर का इंतजार था जब राकेश टिकैत अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। इस रवानगी में बीच में कुछ जगह पर राकेश टिकैत रुकेंगे जहां पर इनका सम्मान समारोह होगा। मोदी नगर मेरठ होते हुए सिसोली पहुंचेंगे। पहली बार 13 महीनों के बाद राकेश टिकैत अपने घर लौट रहे हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद गाजीपुर मोर्चा आज खाली हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से उनके साथ किसानों की भीड़ चल रही है। उनके पीछे कई सौ की संख्या में कारें हैं, उनमें वो तमाम किसान हैं जो राकेश टिकैत के साथ अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एक लंबी लाइन आप देख सकते हैं, जहां तक नज़र जा रही है कारें ही कारें आपको दिखाई देंगी। ये वो तमाम किसान हैं जो राकेश टिकैत के साथ घर जा रहे हैं और एक ये लंबा काफिला है राकेश टिकैत के पीछे जो अपने घर सिसोली जा रहा है। और ये लोग बीच रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, इनका सम्मान होगा, उसके बाद ये लोग अपने घर पहुंचेंगे। अपने सहयोगी दीपक चौधरी के साथ अभिनव गोयल, गाजीपुर बॉर्डर। घर की ओर रवाना हो रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का काफिला निकल पड़ा है अपने घर की ओर। राकेश टिकैत 13 महीने बाद अपने गाँव सिसली जाएंगे। हमारे साथ अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ इसी काफिले में शामिल है, जुड़ गए हैं। अंकित, ये काफिला रवाना हो गया है मुजफ्फरपुर की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की तरफ ये काफिला रवाना हो गया है। और आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं, राकेश टिकैत जो जा रहे हैं उनके साथ में इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां भी चल रही हैं। और राकेश टिकैत अभी हम जो कोशिश करेंगे कि आपको जो है तस्वीरों में दिखा सकें कि वो अपने हाथ में तिरंगा पकड़े हुए हैं। और वो देखिए बीच में जो है जो गाड़ी चल रही है, आपको जो तिरंगा नजर आ रहा है, राकेश टिकैत अपने हाथ में तिरंगा पकड़े हुए कोशिश करते हैं कि हम जो है उनकी गाड़ी के करीब तक पहुँच सके। लेकिन ये जो रास्ता है ये एलिवेटेड रोड का रास्ता है और एलिवेटेड रोड ये जो राजनगर एक्सटेंशन की बढ़ रहा है, यहां से जो मुजफ्फरनगर का रास्ता है वो लिया जाएगा। देखिए अब कोशिश कर रहे हैं कि हम राकेश टिकैत की जो गाड़ी है उसके करीब तक पहुंच करके आपको सीधे तस्वीरें दिखा सके। तो राकेश टिकैत अभी तक जो गाड़ी के ऊपर खड़े थे, लेकिन अब वो गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। ये जो काले रंग की गाड़ी है इसमें बैठे हुए हैं राकेश टिकैत और उनके साथ में उनके पीछे पीछे इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां चल रही हैं। ये वो लोग हैं जो कई सारे ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर आंदोलन पे यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि राकेश टिकैत की आज घर वापसी हो रही है लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सुबह या कल शाम को यहाँ पर आ गए थे और अब उनके साथ साथ वापस घर जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो काली रंग की गाड़ी है, देखिए ये गाड़ी अभी हम करीब पहुंच रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें राकेश टिकैत बैठे हुए हैं। आगे कुछ देर पहले राकेश टिकैत ये जो गाड़ी के ऊपर तिरंगा था इसको अपने हाथ में थामे हुए थे, लेकिन अब क्योंकि गाड़ियों ने एक रफ्तार पकड़ी है लिहाजा उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पर। और पूरे आंदोलन की बात की जाए, आपसे कुछ देर पहले जब मैंने राकेश टिकैत से बात की थी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देखिए 383 दिन बाद आज राकेश टिकैत अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते धमकी ये भी दी है कि अभी एक मुद्दा बाकी है
लखीमपुर कांड पर जो सरकार से उन्होंने डिमांड की है वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर से वापस आ जाएंगे सड़कों पर। ABP News आपको रखे आगे।